मित्रों नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज विद्यालय जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 से आरंभ किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में यह प्रदेश के 255 विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रशासनिक एवं अकादमिक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में हम विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश उसकी बारीकियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे, और इसके अगले पार्ट में अगले वीडियो में हम इनके प्रशासकीय एवं अकादमिक पदों पर जो विज्ञप्ति निकली है उसमें हम किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो मित्रों शिक्षक साथियों मैं हूं जय नारायण पांडे, आइए बिना किसी देरी के सीखते और शुरू करते हैं। तो मित्रों लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 25 अगस्त 2021 को सीएम राइज विद्यालयों के लिए विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन में जो प्रमुख बिंदु हैं जिसे आपको आत्मसात करना है और समझना है मैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा। तो सीएम राइज विद्यालय की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सीएम राइज विद्यालय की संकल्पना के पीछे जो पहला इसका बिंदु है कि ये सर्व सुविधा युक्त कैंपस में संचालित विद्यालय होंगे जिसमें पूर्व प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी अर्थात केजी से 12वीं तक कक्षाएं संचालित होंगी। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये कि इन विद्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था होगी। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें उच्चतर कक्षाओं में सभी संकायों में अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होगी। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सह अकादमिक, इसमें कंप्यूटर योग खेल म्यूजिक नृत्य आदि सभी की व्यवस्था होगी। ये रही सीएम राइज विद्यालयों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। इस आदेश में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसमें उप प्राचार्य प्रधानाध्यापक यानी प्रत्येक स्तर पूर्व प्राथमिक प्राथमिक एवं हायर सेकेंडरी के अध्यापन के लिए शासकीय सेवकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो मित्रों यदि आप मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग विद्यालय में शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम आयाम स्थापित करने कि जो चुनौती है उसको स्वीकार करते हैं, देश के लिए नए शिक्षकीय मूल्यों की स्थापना करने में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने के लिए प्रशासकीय पदों में कार्य करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसमें बात है वो ये कि इसमें आप ऑनलाइन आवेदन एजुकेशन पोर्टल और विमर्श पोर्टल जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण पोर्टल हैं इस पर आवेदन कर सकते हैं। अगली इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपको सीएम राइज विद्यालयों में चयन की जो अंतिम तिथि है जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो है 10 सितंबर 2021। अगली इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसमें जो शिक्षक अमला प्रशासकीय अमला कार्य करेगा उसमें कोई नई भर्तियां नहीं हो रही। इसमें जो अपने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो नियमित शिक्षक कार्यरत हैं उन वही आवेदन कर सकते हैं और वही इसमें कार्य करेंगे। अगले बिंदु के रूप में इस आदेश में सीएम राइज विद्यालयों के लिए प्रशासकीय स्टाफ के बारे में बताया गया है जिसमें तीन प्रकार का स्टाफ होगा, पहला प्रशासकीय, दूसरा अकादमिक और तीसरा सह अकादमिक।
प्रशासकीय स्टाफ में जो अभी ऑनलाइन भर्ती होने जा रही है वो उप प्राचार्य प्रधानाध्यापक दोनों सेक्शन के लिए, माध्यमिक सेक्शन और प्राथमिक सेक्शन, और दूसरा इसका पार्ट अकादमिक जिसमें प्री प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक और कक्षा 6 से 12 के लिए प्रत्येक विषय के हिसाब से विषयमान शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा जो सबसे जो अगली एक खास बात है वो ये कि सह अकादमिक पदों के अंतर्गत जो विभिन्न पद हैं, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, संगीत शिक्षक और कैरियर काउंसलर आदि पदों के लिए भी ये विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगली जो बात आपके सामने यहाँ पर दिख रही है वो ये कि इन विद्यालयों में, इन सीएम राइज विद्यालयों में 100% रिक्तियां मानकर कार्यवाही की जा रही है, यानी पूरा स्टाफ नया आएगा। अर्थात इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो शिक्षक साथी पहले से उस विद्यालय में कार्यरत हैं जिसका चयन सीएम राइज विद्यालय के लिए किया गया है, वो अगर इस विद्यालय में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही यहाँ आना होगा। अगले बिंदु में जो आवेदक हैं उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 57 वर्ष से अधिक ना हो। चयनित अमले का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा और संतोषजनक कार्य करने के उपरांत आपका मूल्यांकन होगा और उसके आधार पर शिक्षकों के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी। आवेदक वर्तमान में जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो आप पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं और उसमें विकास खंडवार आपको प्राथमिकता क्रम चुनने का ऑप्शन मिलेगा। और फिर से उसी बात को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है कि सीएम राइज विद्यालयों में पद स्थापना नियमित शिक्षकों से ही की जा रही है। चूँकि ये पूरी तरीके से इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक जो कार्यरत हैं पहले से स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण में, वही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए लॉजिकली इसमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। 10 सितंबर 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए विमर्श पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी उपलब्ध करा दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं चर्चा करूंगा सीधे चयन प्रक्रिया की, प्रशासकीय पद के लिए और अकादमिक पद के लिए और सह अकादमिक पद के लिए किस प्रकार इसकी चयन प्रक्रिया है। तो पहले मैं बात करूंगा प्रशासकीय पद के लिए जिसमें उप प्राचार्य और प्रधानाध्यापक हैं। इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में, ये जो पात्रता है इसमें उप प्राचार्य की बात करूंगा पहले मैं। तो उप प्राचार्य के लिए स्कूल शिक्षा विभाग या जनजाति कार्य विभाग में व्याख्याता अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक, ऐसे उच्च माध्यमिक शिक्षक जो शिक्षा कर्मी के रूप में 1998-99 में नियुक्ति हुई थी और वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं अथवा व्याख्याता। प्रधानाध्यापक के लिए प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला या प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला में जो नियमित प्रधानाध्यापक है वो आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के लिए आवेदन कर सकते हैं वे आवेदक जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला में रेगुलर पद पर कार्यरत है। ये थी पात्रता। आयु सीमा वही है सबके लिए 57 वर्ष, 1 सितंबर 2021 की स्थिति में। और पात्रता में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर प्रशासकीय पदों के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें आपका विगत 3 वर्षों का रिजल्ट 17-18, 18-19, 19-20 में कम से कम 2 वर्ष का जो रिजल्ट है वो 50 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब प्रशासकीय पदों के लिए चयन किस प्रकार से होगा ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके
बारे में चर्चा करूंगा मैं। तो चयन प्रक्रिया के लिए आपका लिखित परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसके अंक होंगे 60, और इसका जो सिलेबस है वो इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप और सोशल लीडरशिप से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 60 अंकों के। और इसके अलावा लिखित परीक्षा 60 अंकों के अलावा अगर आप एमएड हैं तो 5 अंक निर्धारित हैं, और अगर आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र हैं तो जिला स्तरीय के लिए 2 अंक, राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक, राष्ट्रीय के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। लेकिन ये प्रमाण पत्र आपके पास 15 अगस्त 2021 तक जारी जो किए गए हैं वही मान्य होंगे। लिखित परीक्षा परंपरागत, जैसा कि आप जानते हैं, ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर होगी और बहुविकल्पीय वाले प्रश्न होंगे। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको न्यूनतम 50% अंक लाना ही होगा प्रत्येक पार्ट में, तभी आप पात्र माने जाएंगे और जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें आपका नाम सम्मिलित किया जाएगा। अब मित्रों हम बात करेंगे अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया के बारे में। अभी आपने जाना कि प्रशासकीय पदों के लिए कैसे चयन प्रक्रिया होगी, क्या लिखित परीक्षा होगी, क्या उसी प्रकार अकादमिक पदों के लिए भी जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी जो बिंदु हैं उनका विस्तृत। अकादमिक पदों के लिए जो एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है वो ये कि आपको संबंधित विषय पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। दूसरी वही शर्त है कि आपकी उम्र 1 सितंबर 2021 को 57 वर्ष से अधिक ना हो। अब इसमें भी लिखित परीक्षा है प्रशासकीय पदों के लिए। अभी आपने देखा कि वहाँ भी लिखित परीक्षा थी और उस लिखित परीक्षा के 60 अंक थे, यहाँ पर भी लिखित परीक्षा है और आपका प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा। इन 80 अंकों को भी इसमें 4 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला विषय ज्ञान से संबंधित है 50 अंक, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 अंक और अंग्रेजी ज्ञान का 10 अंक। इसमें अगर अंग्रेजी विषय का कोई शिक्षक आवेदन कर रहा है तो उसके लिए अंग्रेजी की जगह में आपका हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न 10 अंक के पूछे जाएंगे। और इसमें लिखित परीक्षा की जो शर्त है, लिखित परीक्षा की जो शर्त है जैसा कि प्रशासकीय पदों के लिए था, यहाँ भी है कंडीशन कि आपको 50% अंक प्राप्त करना ही होगा, वो भी प्रत्येक भाग में। अब लिखित परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो स्तर वार और विषय वार होंगे। जैसे प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम है, ध्यान से इसको सुनिएगा, प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो सिलेबस है उसमें कला और विज्ञान, अर्थात विज्ञान में गणित भी शामिल है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए जो शिक्षक आवेदन करेंगे उनके लिए जो 6 विषय निर्धारित हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन 6 विषयों में अभ्यर्थी जिस विषय का शिक्षक होगा उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में कुल 13 विषय समाहित किए गए हैं। इन 13 विषयों में कला, वाणिज्य, गणित और जीव विज्ञान, ये सभी विषय समाहित हैं जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता जिस विषय के होंगे उन्हें उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। अकादमिक पदों के लिए जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो वही है जो सभी में था, आपको प्रत्येक घटक में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी आप 50% या उससे अधिक जब नंबर प्राप्त करेंगे तभी आप इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपको मेरिट लिस्ट की सूची में आपको सम्मिलित किया जा सकेगा। आइए मित्रों अंत में अपन चर्चा करते हैं जो तीसरा इसका घटक है, सह अकादमिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया। तो सह अकादमिक स्टाफ की पद स्थापना के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इसमें दी हुई है
और लगभग विभिन्न पदों के लिए जितनी शैक्षणिक योग्यताएं हैं सभी में जो आवश्यक डिग्री या डिप्लोमा है उसमें आपके अंक 50% से कम नहीं होने चाहिए। इन पदों के लिए भी आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा वही है कि आपकी जो आयु है वो 1 सितंबर 2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक ना हो, और इसकी चयन प्रक्रिया इंटरव्यू, केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। अब इंटरव्यू कितने अंक का होगा और पोर्टफोलियो कितने अंक का होगा, तो इन पदों की भर्ती के लिए पोर्टफोलियो के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और इंटरव्यू के लिए 40 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार 50 अंकों के वेटेज के साथ में आपका चयन किया जा सकेगा, और आपके चयन के उपरांत आपको चॉइस फिलिंग का अवसर भी दिया जाएगा जिसमें आप अपनी प्राथमिकता का क्रम चुन सकते हैं, और प्राथमिकता का क्रम चुनने के बाद आप अपनी सेवाओं के लिए यदि पात्र पाए जाते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये थे सीएम राइज विद्यालयों के लिए जो शासन ने विज्ञापन निकाला है उससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश। अगले वीडियो में आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं विमर्श पोर्टल पर, उस वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।